आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और सभी उपस्थितों का सूचना व प्रसारण मंत्रालय की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग ले रहे हैं। आज 2100 से अधिक ग्रामीण व शहरी ठिकानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर्स भी जुड़े हैं। 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड राज्य के खूंटी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया था। 68 आदिवासी जिलों से शुरू हुई यात्रा आज देश के सब कोनों में पहुंच गई है व सभी जगह नागरिक अतिशय उत्साह से यात्रा में भाग ले रहे हैं। मैं सर्वप्रथम माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से जुड़े हैं, उनको स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सभी माननीय राज्यपाल, सभी माननीय मुख्यमंत्री, सभी माननीय केंद्रीय एवं राज्य के मंत्रीगण, सभी माननीय सांसद, विधायक एवं चुने हुए सभी प्रतिनिधि, देश के हजारों स्थानों से जुड़े हुए लाखों मेरे भारतीय भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो जन जन तक योजनाओं पहुंचाने वाले ऐसे जनता को जो परिवार जन मानते हैं, ऐसे प्रधान सेवक और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जब शपथ ली थी तो आपने कहा था आपकी सरकार गरीब की होगी, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी, महिला, मजदूर, जवान और किसान की होगी, और पिछले 9.5 वर्ष दिखाते हैं कि आपके अंतक प्रयासों ने देश में एक नया बदलाव लाए। जो गरीब कभी एक नारे तक सीमित था कि गरीबी हटाओ, वो आपने गरीब और अमीर की खाई को कम करने का प्रयास किया। आपने पाई पाई बचाई भी, गरीब की भलाई करके दिखाई भी। 4 करोड़ पक्के मकान बनाना, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल देना, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाना, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से 5 लाख का इलाज मुफ्त में देना, 80 करोड़ भारतीयों को अनाज मुफ्त में दिलाना और वैक्सीन 220 करोड़ मुफ्त में दिलाना, ये दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। आपके नेतृत्व में आपकी सरकार ने भारत में करके दिखाया है, जिसके लिए सदा हम आपके धन्यवादी। आपने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 5 राज्यों के चुनाव में अति व्यस्त होते हुए भी समय निकाला और झारखंड के खूंटी से, आदिवासी जिले से, जनजातीय गौरव दिवस मनाते हुए, जहां एक और पीएम जनमन योजना को लॉन्च भी किया, जिन आदिवासी भाइयों बहनों तक लोग वर्षों तक नहीं देखे, आपने उनको भी सुविधाएं देने की बात कही। तो आपने ये भी कहा कि देश में जागरूकता भी फैलाएंगे और जो बच गए हैं उन तक लाभ भी पहुंचाएंगे, और यही सोच आपकी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर निकली। पहले 75 ऐसे जिलों तक जो जनजातीय थे वहां तक, फिर 28 के बाद देश के अलग अलग कोनों तक। मुझे कहते माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रसन्नता है कि अब तक पिछले 3-4 हफ्तों में ये 40,000 से ज्यादा पंचायतों में लगभग 1,20,00,000 लोग सीधे उन स्थानों तक पहुंचकर जागरूक भी हुए हैं और इन सेवाओं का लाभ भी लिया है। ये आपकी सोच के कारण संभव हो पाया है। जहां पर उज्ज्वला योजना के नए गैस कनेक्शन के लाभार्थी, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, टीबी की स्क्रीनिंग करनी हो, टीबी मुक्त भारत बनाना हो, या फिर आयुष्मान भारत के कार्ड बनने हो, या जो आपने कहा है कि विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे, तो आज देश के लोग माई भारत प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ रहे हैं। जो myBharat.gov.in इस पर ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं, स्वयं सेवक बन रहे हैं, नेतृत्व की क्षमता के उसको बढ़ाने का काम उसके माध्यम से किया जा रहा है,
और आपने जो संकल्प दिलाया है वो संकल्प सब लोग ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। आपने पिछले 9 वर्षों में भारत को 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब आपने कहा है कि अगले 5 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, उसके लिए हम सब अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। आपने 10,00,000 लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने की बात कही थी, हम आपके आभारी हैं। 8,00,000 से ज्यादा लोगों को आपने रोजगार दे दिया है और अगले 3 महीनों में 10,00,000 का ये आंकड़ा भी पूरा हो जाएगा। आपका बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। इसी तरह से ही किसानों को दुनिया में बढ़ते दामों के बावजूद सस्ती खाद, सस्ता बीज और पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया अब तक आप सीधा उनके खातों में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष 11 करोड़ किसानों को दे चुके हैं। इसी तरह से ही हमारी उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को मात्र 603 रुपए में अब रसोई गैस का सिलेंडर मिलता है, इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। माननीय मोदी जी, ये मोदी की गारंटी की गाड़ी अब देश की 2,69,000 पंचायतों में और 4,100 अर्बन लोकल बॉडीज में, जो हमारी शहरी निकाय हैं, उनमें भी जाएगी। करोड़ों लोग इससे जागरूक हो पाएंगे, आपकी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे और आपने जो संकल्प दिलाया है कि विकसित भारत बनाने के लिए हर भारतीय को अपना योगदान देना है, आज मैं कह सकता हूं विकसित भारत के संकल्प के लिए ये महाअभियान जो आपने छोड़ा है ये जन भागीदारी से जन आंदोलन बन जाएगा और 2047 से पहले ही हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा, आज दुनिया में पिछले कई वर्षों में लगातार सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आप ही चुने जा रहे हैं। यह आपकी लोकप्रियता इसलिए है कि 2001 से लेकर 2023 तक आपने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, आपने अपना पल पल देश के लिए जिया है, समर्पित किया है और यही आपका समर्पण भाव आज हर भारतीय को प्रेरित करता है कि वो भी विकसित भारत का एक अम्बेसडर बने। तो आइए सब लोग विकसित भारत का अम्बेसडर भी बने, अपना योगदान दें और एक बार फिर हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आप जुड़े, मैं देशवासियों की ओर से, परिवारजनों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में लाभार्थियों ने अपनी भावनाएं प्रकट की, सरकारी योजनाओं के कारण अपने जीवन में हुए बदलाव के बारे में बताया है। आइए इन्हीं अनुभवों पर आधारित एक छोटी फिल्म देखते हैं। एक तरफ जहां मोदी सरकार ने पिछले 9-10 सालों में देशवासियों को अनेकों कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी, वहीं यह भी सुनिश्चित किया कि ऐसी हर योजना का लाभ शत प्रतिशत हकदारों को मिले। फिर चाहे उज्ज्वला योजना से धुआं मुक्त रसोई हो, हर घर नल से जल या पीएम आवास की पक्की छत हो, या आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज की निश्चिंतता, आज हर योजना पूर्णता की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है और करोड़ों लोगों तक इनका फायदा भी पहुंच रहा है। इसी संकल्प के साथ 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की विकसित भारत संकल्प यात्रा की। एक महीने से कम ही समय में आज लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। अब ये यात्रा एक महाजन आंदोलन बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का ये प्यार ही है कि विकास रथ के नाम से शुरू की गई ये गाड़ियां आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के नाम से जानी जा रही है। आपने अब इसको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बना दिया है तो मैं भी आपको कहता हूं, जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। देश के युवा, महिलाएं, हमारे किसान भाई बहन बढ़ चढ़कर इस विकास यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। युवा तो एक प्रकार से विकसित भारत के एम्बेसडर बन चुके हैं।
इस उत्साह का कारण है देशवासियों का सरकार के प्रयासों पर अटूट अपार विश्वास। छोटे छोटे बच्चे थे, पति मर गए थे मेरे, मोदी सरकार ने मुझे मकान दिया प्रधानमंत्री योजना में, और फिर मुझे पेंशन भी मेरी लग गई, मिलती है पेंशन भी मुझे, फिर मुझे सिलेंडर भी मिला फ्री, राशन भी फ्री मिलता है, गेहूं भी मिलते हैं, चावल भी मिलते हैं। पीएम जी घर मिला था, वो घर पा करके हम अच्छा लगा है, पोयल भी अच्छा लगा है, हम एक ठो खुशागार लेटिन मिला था, वो कायन भी मिला था, हम घर को बहुत सुखी है, हमको सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मेरे स्वयं सहायता समूह का नाम संत सेवालाल महाराज संस्थान है, मैं यहाँ बतौर लिपिका काम करती हूँ। हमें अपना उद्योग शुरू करने के लिए 3 लाख की मदद सरकार से मिली। बड़ी संख्या में यात्रा से जुड़ते लोग और उनका उत्साह विकसित भारत के रोड मैप को सुदृढ़ कर रहा है। इस अटूट संकल्प की सिद्धि ही नए भारत की पहचान है। तीस नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1500 से अधिक ठिकानों से जुड़े हुए नागरिकों के साथ वार्तालाप किया था। इसी श्रृंखला में आज माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत संकल्प यात्रा में विभिन्न हिस्सों से जुड़े कुछ लाभार्थियों से संवाद करेंगे। सबसे पहले तुमकुर कर्नाटक चलते हैं, जहां श्री मुकेश जुड़े हुए हैं। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। मुकेश जी पहले अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या काम करते हैं, सरकार की किस योजना का आपको लाभ मिला है? सर जी हमारा होम अप्लायंस का शॉप है तुमको डिस्ट्रिक्ट में चेरू विलेज में, और हमको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का तहत 4.5 लाख का लोन मिला था, हमने शॉप ओपन किया था, बिजनेस अच्छा चल रहा है अभी। कितना पैसा मिला आपको? 4.5 लाख सर। और उसको अभी कितना लोगों को काम देते हैं आप? सर 3 लोगों को काम दे रहे सर। 3 लोगों को काम देते हैं? यस सर। तो आप नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बन गए? सर हमने भी बहुत सारी नौकरी की थी, हमको भी फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पता चला था, फिर हमने भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर उसी वजह से बड़ा है, और हमको बैंक वाले ने बोले थे आप 5 से 10 लाख तक आप लोन करा सकते हो, तो हमको 4 लाख की चाहिए था, तो हमने इतने करा था। अच्छा मुकेश जी, क्या आपको लगता था कि इतनी आसानी से आपको बैंक से लोन मिल जाएगा और आप अपना पैर पे खड़े हो जाएंगे और आप इस प्रकार से काम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा कभी विचार आया था? नहीं सर, एक्चुअली हमने आज से 6-7 साल पहले ट्राई किया था, हमको नहीं मिला था उस टाइम, अभी आपका जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ मिलने का बहुत अच्छा फायदा हुआ हमको, पहले हमने सोचा था 2-3 बार तो हमको लोन नहीं मिला था, फिर आपका जो प्रधानमंत्री योजना से ऑटोमेटिकली बैंक वाले सोशल मीडिया में हमको पता लगा कि आप छोटे मोटे बिजनेस वाले को लोन दे रहे हैं, तो हमको लोन मिला था, वो आज हम अच्छा बिजनेस कर पाए हैं। अच्छा आप अपना कारोबार UPI से करते हैं कि कैश से लेते देते हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ पे विलेज में तो 50-50 हो सर, तो UPI में हो रहा है, थोड़ा कैश में भी हो रहा है। नहीं तो आप धीरे धीरे करके 100% UPI पर जा सकते हैं? हाँ सर, पक्का जा सकते हैं सर, क्योंकि अब तो गांव के लोग भी UPI उपयोग करते हैं। 50-60% अभी UPI चल रहा है सर, 30-40% जो बुजुर्ग लोग है उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, जो विलेज में तो वो बुजुर्ग लोग ही हमारे कस्टमर ज्यादा है, तो उन्होंने कैश एंड कैरी में कर रहे हैं अभी तक वो। देखिए UPI करने से आपको फायदा ये है कि बैंक से भविष्य में बड़ा लोन लेना है तो रिकॉर्ड आपको बहुत काम आता है। हाँ सर, नहीं सर, हम सभी कस्टमर को बोलते हैं जितना भी कस्टमर आता है UPI पहले कीजिए, उनके पास UPI नहीं है तो हम कैश पे लेते हैं सर। चलिए मुकेश जी, आप देश की युवा शक्ति का प्रतीक है, आपने साबित कर दिया है कि भारत का युवा अगर मेहनत करना तय कर ले तो कैसे नई दुनिया खड़ी कर देता है, और वो ना सिर्फ रोजगार की इच्छा करता है बल्कि वो 2-4 और लोगों को रोजगार देता भी है। हमारी भी सरकार आपके जैसे युवा साथियों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आइए अब देखते हैं
कौन है जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास खड़े जुड़ने वाले हैं मेरे से? अब हम चंडीगढ़ चलते हैं जहां मोना जी जुड़ी हुई है। मोना जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी दर्शन हुई आज मुझे। मोना जी पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए, और आप चंडीगढ़ में हैं क्योंकि मैं भी पहले कभी चंडीगढ़ में रहता था लंबे अरसे तक। हाँ जी, चंडीगढ़ में बहुत मैं परिचित हूँ, किस इलाके से आप हैं? हाँ जी, मैं जी रांची से हूँ, झारखंड से। जब मैं 15 साल की थी उस टाइम मैं आ गई थी चंडीगढ़, तो उस टाइम से मैं अपना काम की मैं बधाई में नहीं की, मैं किन्नर हूँ, अपना काम करती हूँ। धीरे धीरे मैं चाय की स्टोर लगाई L&T मॉल फेसवन इंडस्ट्री एरिया में, वहाँ मेरा काम बहुत अच्छा चलता है सर, चाय का काम है सर। अच्छा मोना जी, आपने बताया कि आप चाय की दुकान चलाती हैं, अब तो हाँ जी। मुझे जानना है कि क्या अनुभव आता है, चाय खुद बनाती हैं यार और अभी लोग बनाने वाले आपके साथ हैं? नहीं सर, मैं अकेली अपना काम करती हूँ। अच्छा। 6 से 10। हाँ जी। कितने कितने लोग दिन बनाते हैं, सुबह कितने बजे चालू कर देते हैं आप? सर 6 बजे आ जाती हूँ, शाम की 10 बजे जाती हूँ। अच्छा, और हाँ जी, स्वनिधि का आपको लाभ मिला? हाँ जी, बहुत लाभ मिला मुझे वहाँ पे। मुझे 10,000 की लोन प्राप्त हुई। जब मुझे पता लगा लॉकडाउन के टाइम पे बहुत स्थिति मेरी खराब हो गई थी, कोई सपोर्ट में नहीं था, फिर मैं अकेली हो गई मैं कि अब कहाँ से अब कैसे दुकान करूंगी। फिर मुझे कारपोरेशन तरफ से फोन आया कि मोना जी आपका लोन आया हुआ 10,000 का। मुझे बहुत खुशी हुई मैं कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ। फिर 10,000 का लोन लेके मैं अपना दुकान चालू की, उसके बाद 20 का हुआ, उसके बाद अभी 50 का सर चल रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपना काम करने लगी, अपने पैरों में खड़ी हूँ। एक किन्नर मोना जी, आपके यहाँ जो लोग आते हैं वो UPI से पैसे देते हैं कि कैश पैसों का कारोबार ज़्यादा चलता है? नहीं सर, UPI से ही है सर, PayTM का सिस्टम है सर मेरा ज़्यादा। तो आपका अगर UPI से चलता होगा तो आपको और भी लोन मिल सकता है ज़्यादा, क्या बैंक वालों हाँ ने प्रयास किया आपको अधिक पैसे देने के लिए? हाँ जी किए सर। तो अभी कितना मिला दूसरी बार आपको? दूसरी बार सर 20 मिला था, अभी मुझे 50 मिल रखा है सर। अच्छा, जो भी चल रहा है। तीसरे राउंड तक पहुंच गए हो? हाँ जी, थैंक यू सर। आपने तो बहुत सफलता से काम किया और आप तीसरे राउंड पर पहुंच गए, तब तो अब तो ब्याज भी आपका जीरो हो गया होगा। हाँ जी, सब आपकी कृपया है सर। अच्छा आप बताइए, जब आपकी दुकान पर इतने सारे हाँ लोग आते हैं तो किन्नर समाज के लोग आते होते, वो पैसे देकर के चाय लेते हैं कि वो तो आपको दोस्ता है मुफ्त दे ले देते? नहीं सर, वो भी पैसे देती हैं, वो भी बहुत खुशी होती है कि मोना आप काम करियो, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो आप में से प्रेरणा लेकर के और हमारे किन्नर जो लोग हैं वो कोई रोजी रोटी कमाने की दिशा में आगे आए हैं क्या? हाँ जी, बहुत कोई आ गए हैं जी, अभी कोई बहुत कोई L&T मॉल के अंदर ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं जी। तो उनको भी स्वनिधि हाँ का पैसा मिला है? नहीं जी, उनको तो नहीं मिला है, वो तो मॉल में जॉब करती हैं। अच्छा। बाकी हमारी दो और हैं, विजेता जी है और एक डिंपल जी हैं, वो भी अपना चाय का ही स्टोर लगा रखी, उनको भी मिला है जी। हाँ जी। तो मोना जी आपकी पढ़ाई कितनी हुई? पढ़ाई सर 8वीं की हूँ। अच्छा, और मूल आप झारखंड से हैं? हाँ जी सर, रांची। अच्छा मोना जी, पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है। हाँ जी। हमारी हर उस वर्ग तक पहुंच रही है जो अब हाँ तक हाशिए पर थे। हाँ आपके काम और आत्मविश्वास ने एक बार फिर साबित किया है कि हाँ हमारे प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं। शायद आपको मालूम हाँ होगा हाँ कि हाँ हम लोगों ने जो आसाम का रेलवे स्टेशन है हाँ उस रेलवे स्टेशन पर जितनी दुकानें हैं वो सारे हाँ किन्नर समाज के लोग चलाते हैं, रेलवे हाँ ने उनको दिया हाँ है और उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। हाँ जी। चलिए मोना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी मेहनत और आपने इसको आगे बढ़ाया और तीसरे हाँ राउंड तक आपको लोन मिलना 50,000 तक आप पहुंच गए, बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से आपको। आइए आपको भी सर, अब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पे कहाँ जुड़ रहे हैं हम? अब हम जम्मू कश्मीर के शेखपुरा चलते हैं जहां से नाजिया नदीर जी जुड़ी हुई है। नाजिया जी नमस्ते।
नमस्ते, आदाब सर, जय हिंद। आदाब आदाब। नाजिया जी बताइए, कैसे हैं आप और क्या काम करती हैं? जी सर, मैं शेखपुरा में रहती हूँ। मेरा नाम नाजिया नजीर है और मेरा हस्बैंड ऑटो ड्राइवर है और मैं दूध बेचती हूँ घर वालों को। और मेरे पास दो पशु है और छोटी है, और एक दूध देती है एक छोटी है। मैं खुद कमाती हूँ अपने हाथ से पैसे। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं जो जिसमें आपको मदद करते हैं? मेरा हस्बैंड है और मेरे दो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और मेरी मदर इन लॉ है, और मेरा ससुर पिछले साल डेथ हुआ है। ओह, और मैं हूँ। अच्छा नियाजिया जी, पहले की तुलना में अब आपके गांव में क्या बदलाव आया है, आपको क्या लगता है क्या परिवर्तन आया है? हमें शेखपुरा में पानी की बहुत किल्लत थी। हमें पहले मटके में पानी लाना था, कुएं से पानी लाना था। जीजीएम की वजह से हमें गवर्नमेंट ने पाइपलाइन बिछाए, उसकी वजह से हमें पाइपें मिले हैं। और सर, हम मोदी जी के शुक्र गुजार है, उसकी वजह से हमें बहुत बहुत शुक्र गुजार है। उसकी वजह से हमें घर पर ही साफ सुथरा पानी मिल रहा है, और हमने बहुत स्कीमों का लागू उठाया है। उज्जवल गैस, पहले हमें रसोई में गैस नहीं था, फिर हमें गैस मिला और उसके साथ चूल्हे मिले, और ओल्ड पेंशन मिल रहा है, और बच्चों को खाना मिल रहा है, और 5 साल आपने और खाना ऐसे ही दिया। हमें आपका शुक्र गुजार होना चाहिए मोदी साहब। नाजिया जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव पहुंची, हाँ, तो लोगों को कैसे लगा? ये छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं, उनको क्या लगा, वो क्या पूछते हैं आप लोगों को? हमें कश्मीरी कल्चर है, इसवंद जलाते हैं हम। पहले जब हमें शुभ काम होता है, हम पहले इसवंद की सौगात करते हैं सर। नाजिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इतनी बड़ी तादाद में मैं सब बहने देख रहा हूँ तो मुझे खुशी हो रही है कि इनके मन में भी कुछ न कुछ विकास की दिशा में अपने पैरों पर खड़े होकर के सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का जज्बा मैं देख रहा हूँ। आप लोगों का उत्साह भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत होता है। और मुझे बताया गया है कि कश्मीर में ये जो संकल्प यात्रा के कार्यक्रम होते हैं, कहते हैं बहुत बड़े होते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और गांव के बाहर तक स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। आने के बाद बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये जो कश्मीर के लोगों का उत्साह है, जम्मू कश्मीर में जो एक वातावरण बना है, तो मैं मानता हूँ इससे पूरे देश को सकारात्मक संकेत जाता है, और आपकी जो नई पीढ़ी है उनका भविष्य उज्ज्वल होने की गारंटी बन जाता है। और मोदी की गाड़ी की गारंटी यही है कि मुझे नई पीढ़ी को एकदम आश्वस्त करना है। और आज जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर पूरे देश में लोग विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हम सब मिलकर तय करेंगे कि भाई हमें हमारे देश को आगे ले जाना है, और जब देश आगे जाएगा तो हम सबको लाभ मिलने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि इस सिद्धि में जो भागीदारी मैं देख रहा हूँ आप सबकी, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आइए अब देखते हैं कहाँ पर मोदी गारंटी वाली गाड़ियां में पहुंचा देती है। तो अब हम चलेंगे दरभंगा बिहार में, जहाँ प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई। प्रियंका जी नमस्ते। नमस्ते मोदी जी। प्रियंका जी बताइए, ये भी बताइए कि आपको सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, अपने बारे में भी बताइए। सर, मेरा नाम प्रियंका देवी उर्फ प्रियंका यादव है, घर कटैया प्रखंड जाले दरभंगा से हैं। और सर, मेरा 3 बच्चे हैं, सर मेरा 3 बच्चे हैं और पति पत्नी हैं हम, और मेरा एक सासू माँ है, ससुर डेट कर गया है पिछले साल, और मेरा पति मुंबई में मजदूरी करता है। सर, मजदूरी करता है, मेरा राशन कार्ड मिला है जो मुफ्त में, आप लॉकडाउन में इतना मतलब
हम लोग पूरा महिलाओं को, गरीब को आप इतना देखें जे मत पूछिए, हम क्या सोच भी नहीं सकते हैं जो आप इतना किए। बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया कोरोना टाइम में, तो मेरा आप मुफ्त में अनाज दिए, कुछ जनधन योजना में आप कुछ खाते में भी पैसा भेजे, उनसे हम लोग पूरा जीवन के आहार था उस वक्त मेरा कोरोना टाइम में। अच्छा प्रियंका जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव आई है तो वहाँ क्या माहौल है? इतनी बड़ी तादाद में सब बहनें बैठी हैं, उत्साह का माहौल है, तो क्या लगता है लोगों को? मिथिलांचल का रीति रिवाज से उसको हम गारंटी वाला मोदी को गाड़ी को बहुत सम्मान करते हैं और पूरा खुशी खुशी से मनाया जाता है, और मतलब वो बहुत काफी जोरदार से चल रहा है सर। अच्छा भाई, अनाज मिल जाता है, घर में गैस का चूल्हा आ गया है, तो समय भी बचता होगा अब तो? जी सर, तीन बच्चा है, घर में जो चूल्हा मिला है और गैस मिला है उनसे समय उसके कारण अब गैस का चूल्हा आ गया तो समय भी बच जाता होगा आपका, तो जो समय बचता है उसका कुछ उपयोग करते हैं क्या? सर, समय जो बचता है हम अपना उससे उपयोग करते हैं, क्यों समय सकाल से बच्चा को तैयारी करके स्कूल भेजते हैं, खाना पीना खिला के, तेकर बाद समय जो हमारा बचता है तो अपना घर परिवार देखते हुए फिर बच्चा को केयर करते हैं हम, और मतलब खेती बाड़ी किसान के मतलब अथी हैं। तो घर में आने के बाद बच्चों को भी कुछ पढ़ाती हो आप? सर, हम मैट्रिक इंटर किए हुए हैं, हम घर में जो बच्चा आता है स्कूल से तो हम उनको पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चे को देखभाल। तो बच्चों को मालूम है सरकार की इन सारी योजनाओं का, बच्चों के स्कूल में बातें होती है? जी सर, बच्चों को पता है। अच्छा, गांव में सब लोग, किसी को अगर योजना नहीं मिली होगी, मानो कोई है जिसको उज्ज्वला का गैस नहीं मिला होगा, तो आपको कहते होंगे कि आपको कैसे मिला और मुझे तो मिला नहीं, तो उसके लिए आप कैसे उनको सलाह देती है? आप तो पढ़ी लिखी है सर। पूरा गांव में जहां तक हम रहते हैं कटैया में सबको उज्ज्वला गैस मिला है, घर तक पहुंच गई, और जिसको नहीं पता था उसको कैंप लगा के दिया गया है। चलिए, सबको पहुंचाए सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, मैं आप सबको कहता हूँ, अभी भी जहाँ जहाँ कुछ लोगों को मिलना बाकी रह गया है उसको भी मैं लिस्ट बना रहा हूँ। मैं सामने से पूछने के लिए निकला हूँ कि भाई बताओ कोई रह गया है क्या, और आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके ये सारी योजनाएं मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्रियंका जी, मुझे बहुत संतोष है कि आप सभी को बिना किसी परेशानी से योजनाओं का लाभ मिला है, और किसी भी योजना के सफल होने के लिए उसका हर लाभार्थी तक पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना देश में तो पहले बहुत सी योजनाएं बन जाती है, दिया जलाना, फीता काटना और सब कागजों पर ही चलता रहता था। हमारी कोशिश है कि नहीं, जो योजना बनती है वो हकदार जो है उसका, उसको ढूंढो, वहां तक पहुंचो और उसको उसका फायदा मिलना चाहिए, तब जाकर के देश में जो हमें गांव गांव में बदलाव लाना है वो आएगा। और इसलिए हम लाभार्थियों को जानकारी भी देना, जो उनको पता नहीं पता देना, और फिर उनको जोड़ देना। अब गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव जाकर हर लाभार्थी तक योजनाओं को पहुंचा रही है। अब देखिए, हमें विकसित भारत बनाना है ना, तो हमें हर परिवार में बदलाव लाना है, और आप जैसी पढ़ी लिखी बेटियां गांव में है तो मैं पक्का मानता हूं कि गांव के सब लोग जागरूक होकर के, हम सभी महिलाएं एक रहना है। आजकल लोग हमारी महिलाओं के बीच में भी दरारें कर रहे हैं, वो फलाना है, वो टिकना है, नहीं, हम सब महिलाएं एक है, हम महिलाओं की एक ही जाति है, हम सब एक ही जाति की महिला है, हम सब महिलाओं की जात इतनी बड़ी है कि हम सब मिल करके अब सारी मुसीबतों का मुकाबला करेंगे। तो इस मूड में आप लोग काम करिए, मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आइए, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहाँ पहुंच रही है? अब सर हम चलेंगे पश्चिम भारत की तरफ, भरूच गुजरात, जहाँ अल्पेश भाई आपसे बात करना चाहते हैं। अल्पेश भाई नमस्ते। नमस्कार सर। केम जो? बस मजा में सर। ये हिंदी में बोलो, फाव से फाव से सर। फाव से।
तो अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम अल्पेश कुमार चंद्रभाई निजामा हूँ और मैं गुजरात में भरूच जिले के भरूच तहसील के गांव का रहने वाला हूँ। मैंने बीए किया और फिर मैंने मुंबई में सीटीआई का कोर्स किया और फिर बाद में मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर किया। क्या 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 कोर्स किया आपने? डिप्लोमा हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंजीनियर। अच्छा। हाँ सर। फिर मैंने जॉब किया, फिर जॉब छोड़ दिया जॉब, और मेरे पापा की बड़ी पासी जमीन है उसमें मैं खेती करने लगा। तो कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास 40 एकड़ है सर। तो आप नौकरी छोड़ करके खेती करने के लिए आ गए? हाँ सर। और मुंबई छोड़ करके भरूच आ गए? हाँ सर। हाँ सर। वाह, तो आप तो खेती कर रहे हैं तो बाकी नौजवानों को भी आश्चर्य होता होगा कि भाई ये क्या है नौजवान, सारे लड़के तो गांव छोड़ छोड़ करके शहरों में चले जाते हैं, ये शहर छोड़ करके गांव चला आया, तो सब लोग तुम्हारी मजाक उड़ाते होंगे। नहीं 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 सर, नहीं सर, कोई नहीं। अच्छा, आप खेती करते हैं किस प्रकार से करते हैं, कौन चीज़ों का करते हैं? क्या आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, कि पुरानी जो पद्धति होती है वही करते हैं? नहीं, मैं फिलहाल सर जो आपकी जो भारत सरकार ये योजनाएं हैं और जो गुजरात सरकार की जो योजनाएं जो उसमें RKVY और AGR 2 AGR 50 उसमें से मुझे जो ट्रैक्टर उसके जो इक्विपमेंट है वो लिया सर, और वो सब्सिडाइज मुझे मिला, और उसके बाद मैंने ड्रिप इरिगेशन का जो सब्सिडी मुझे मिला 3 लाख रुपये तक, और ये सब जो इक्विपमेंट ट्रैक्टर में मुझे 1,17,000 रुपया तक की सब्सिडी मिली है, और जो आपकी जो पीएम सम्मान निधि योजना है सर उसमें 15 हफ्ता मुझे। अल्पेश भाई, जब मैं आपकी उम्र का था तो मैंने 1 लाख क्या होता है, 2 लाख क्या होता है, 3 लाख क्या होता है सुना ही नहीं था। सही बात है। और आप तो लाखों में बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। तो आप ये जो लाभ आपको मिले हैं तो दूसरे किसानों को भी अच्छी खेती करने के लिए कुछ सलाह वला देते हैं क्या? क्योंकि गांव में आप तो मुंबई से आए हैं तो गांव में जरा आपका रुतबा चलता होगा। हाँ सर, मैं सर एक्चुअली आत्मा प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ 2008 से सर, और आत्मा प्रोजेक्ट का जो कर्मचारी था इधर गांव के पंचायत में आए थे और वहाँ पे मुझे संदेश दिया कि इस ग्रुप में आप जुड़ो तो आपको जो भी अच्छे जब खेती कर रहे हैं दूसरे राज्य में या दूसरे जिले में या दूसरे तालुका में उधर आपको विजिट करवाएंगे, उससे आपको ये फायदा होगा कि आप किस टेक्निक से खेती कर रहे हो और वो लोग किसी कैसी टेक्निक से खेती कर रहे हैं वो आप समझ पाओगे। तो फिर बाद में मैंने सभी जगह पे विजिट किया और आपका प्रोजेक्ट के मुझे उसमें सम्मान पुरस्कार मिला, उसमें तालुका कक्षा में, जिला कक्षा में और राज्य कक्षा में आत्मा बेस्ट फार्मर का अवार्ड भी मिला है, और सौभाग्य की बात यह है सर कि जो जिला पुरस्कार का पुरस्कार जो मुझे मिला आप भरूच में आए थे उसी टाइम मुझे आपकी उपस्थिति में मिला है सर, वो मेरी सौभाग्य की बात है और आज मैं आपके साथ सीधी बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, आपके पीछे कोई गुड़िया है, कुछ मुस्कुरा रही है, कौन है ये छोटी गुड़िया है जो बड़ी मुस्कुरा रही है, कौन है? मेरी बच्ची है सर, वो 5वीं क्लास में पढ़ती है सर। अच्छा, उसको पूरा मालूम है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम हरी निजामा है। तो तुझे मुंबई जाने का मन नहीं करता है? नहीं सर। तो तुम खेती में कुछ काम करती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है तो तुझे मालूम था कैसी यात्रा एक आने वाली है? हाँ। अच्छा, तो तुम्हारे सब दोस्तों को बताओगी? हाँ। पक्का बताओगी? अच्छा, वहां जितने लोग बैठे हैं उन सबको भारत माता की जय का नारा लगवाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वाह, देखिए अल्पेश भाई, आप देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है, आपने साबित किया है कि देश में कृषि में अच्छा काम करने के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। आज बहुत से युवा खेती की तरफ मुड़ रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम अपने किसानों को बीज से लेकर बाजार तक का बेहतर माहौल दें।
हमारी कोशिश है कि नई तकनीक, इनोवेशन और नई सोच से हम किसानों की मदद करें। पढ़े लिखे युवाओं का खेती में आना इस संकल्प शक्ति को बड़ी ताकत देता है। मैं आपको, आपके यहाँ शायद ड्रोन का कार्यक्रम होने वाला होगा और अब तो खेती में जैसे गांव-गांव में ट्रैक्टर ने खेती में बहुत बड़ा जगह ले ली है, आने वाले दिनों में ड्रोन भी लेने वाला है। तो इस जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आती है ना, उसमें एक ड्रोन का कार्यक्रम भी होता है। तो सब मुझे समझना चाहिए और आपको और आपके गांव वालों को मैं एक काम भी देना चाहता हूँ। अब जब ये गारंटी वाली गाड़ी यहाँ से जाए तो इसका अगले गांव में और भव्य स्वागत हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े, इसके लिए आप नौजवान अगले वाले गांव में जाकर के जरा मेहनत करिए, तैयारी करिए और 4-5 गांवों का जिम्मा लीजिए। आप लेंगे मेरे ये जितने पीछे हैं जरा हाथ ऊपर करके बताएं, जिम्मा लेंगे? हाँ, शाबाश। चलिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह गांव-गांव में देख रहा है, हिंदुस्तान के हर कोने में देख रहा है, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, बहुत ही छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, और कुछ तो जान पर मैंने देखा है कि गाड़ी का रूट नहीं है फिर भी लोग गांव वाले रास्ते में आगे खड़े हो जाते हैं और गाड़ी को खड़ी रह करके सारी जानकारियां लेते हैं, तो ये अपने आप में अद्भुत है। और अभी कुछ लाभार्थियों से जो मेरी बातचीत हुई है, मुझे बताया गया है कि इस यात्रा के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को अपने अपने अनुभव बताने का अवसर मिला और ये अनुभव रिकॉर्ड भी हुए हैं। और मैंने पिछले 10-15 दिन में बीच बीच में देखा भी है कि गांव के लोगों की भावनाएं क्या है, योजनाएं मिली है, वो पक्की पूरी मिली है कि नहीं मिली है, पूरी डिटेल उनको पता है, सारी चीजें। मैं आपके वीडियो देखता हूं, मैं तो मुझे बहुत आनंद होता है कि मेरे गांव के लोग भी सरकारी योजनाएं जो मिलती हैं उसको कैसे बखूबी उपयोग करते हैं। अब देखिए, किसी को पक्का घर मिला है तो उसको लगता है कि मेरे जीवन की नई शुरुआत हो गई है। किसी को नल से जल मिला है तो उसको लगता है कि अब तक तो हम पानी के लिए मुसीबत में जीते थे, आज पानी हमारे घर पहुंच गया। किसी को टॉयलेट मिला तो उसको लगता है इज्जत घर मिला है। और हम तो पहले पुराने जमाने जो बड़े बड़े रहीशी लोगों के घर में टॉयलेट होता था, अब तो हमारे घर में टॉयलेट है, तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा का भी विषय बन गया है। किसी को मुफ्त इलाज मिला है, किसी को मुफ्त राशन मिला है, किसी को गैस कनेक्शन मिला है, किसी को बिजली कनेक्शन मिला है, किसी का बैंक खाता खुला है, किसी को पीएम किसान सम्मान निधि पहुंच रही है, किसी को पीएम फसल बीमा का लाभ मिला है, किसी को पीएम स्वनिधि योजना से सहायता मिली है, किसी को पीएम स्वामित्व योजना के जरिए प्रॉपर्टी कार्ड मिला है। यानी मैं योजनाओं के नाम अगर बोलूंगा, जब मैं देख रहा था हिंदुस्तान के हर कोने में चीजें पहुंची है, देश भर के गांवों में करोड़ों परिवारों को हमारी सरकार की किसी ना किसी योजना का जरूर लाभ मिला है। और जब ये लाभ मिलता है ना, तब एक विश्वास बढ़ता है और विश्वास, एक छोटी लाभ मिल गया, जिंदगी जीने की एक नई ताकत आ जाती है। और इसके लिए उन्हें किसी सरकारी दफ्तर में बार बार
चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। भीख मांगनी पर जो मनस्थिति रहती थी वो गई। सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए, तभी आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसे लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बनी है, जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। इसे शुरू हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, 2-3 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन ये यात्रा 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत और कई शहरों तक पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में अब तक 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं, उसका स्वागत किया है, उसको समझने का प्रयास किया है, उसे जुड़ने की कोशिश की है, उसको सफल करने का काम किया है। लोग इस गारंटी वाली गाड़ी का आभार प्रकट रूप से कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और मुझे बताया गया है कि कई जगहों पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कई तरह की गतिविधियां पूरी की जा रही है। यानी मैं देखता हूं कि ऐसे एक कार्यक्रम को जिसके साथ कोई बड़ा नेता नहीं है, सिर्फ भारत को आगे बढ़ाना है, हमारे गांव को आगे बढ़ाना है, हमारे परिवार को आगे बढ़ाना है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के आगे बढ़ना है, इतने से एक संकल्प के लिए ये गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने से पहले गांव वालों ने जो काम किया है, वो जो जानकारियां मुझे मिली है वो अद्भुत। जैसे कुछ गांवों में एक एक सप्ताह तक बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया कि भाई चलो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली है, पूरा गांव लग गया स्वच्छता के अभियान में। कुछ गांवों में जो बताया गया कि सुबह 1 घंटा प्रभात फेरी कर रहे हैं, गांव गांव लोगों के जागृति सुना रहे हैं। कुछ जगह पे स्कूलों में जो प्रार्थना सभाएं होती हैं तो वहाँ जो जागरूक टीचर है उन्होंने विकसित भारत क्या है, आज़ादी के 100 साल होंगे तब तक कैसे आगे बढ़ना है, ये बच्चे तब 25-30 साल के 35 साल के हो जाएंगे तब उनका भविष्य कैसा होगा, इन सारे विषयों की स्कूल में चर्चाएं कर रहे हैं आजकल। यानी ऐसे जागरूक जो शिक्षक हैं वो भी लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, और स्कूल के बच्चों ने गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत में कई गांवों में बढ़िया रंगोलियां बनाई है। कुछ लोगों ने कलर वाली रंगोली नहीं बनाई तो गांव के फूल पत्ते पौधे लेकर के कहीं सूखे पत्ते से और हरे पत्ते जोड़ करके बहुत बढ़िया बढ़िया रंगोलियां बनाई है, अच्छे नारे लिखे हैं लोगों ने, कुछ स्कूलों के अंदर नारे लिखने की स्पर्धाएं हुई है। मुझे बताया गया है कि कुछ गाँवों में तो गारंटी वाली गाड़ी आने पर हर घर के दरवाजे पर जिस दिन आने वाली थी उसके एक दिन पहले शाम को लोगों ने घर के बाहर दिया जलाया ताकि पूरे गांव में गारंटी वाली गाड़ी का एक वातावरण बन जाए। यानी ये जो लोगों का उमंग है, और कुछ लोग तो मैंने सुना कि गांव के बाहर तक जाते हैं, गाड़ी आने वाली है तो पूजा का सामान लेकर के, आरती लेकर के, फूल लेकर के गांव के दरवाजे यानी गांव के बाहर जो पेड़ होता है, नाका होता है या गेट होता है वहां तक गए और गाड़ी का स्वागत करते हुए अंदर तक ले गए नारे बोलते बोलते, यानी पूरे गांव में जैसे उत्सव का वातावरण बना दिया। मुझे ये जानकर भी अच्छा लगा कि हमारी पंचायतों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के स्वागत के लिए हर गांव में अच्छी स्वागत समितियां बनाई हैं। गांव के सब बड़े बुजुर्ग, समाज के सभी वर्ग के लोग, सबको स्वागत समितियों में जोड़ा है, और स्वागत समिति के लोग इसका स्वागत करने के लिए तैयारियां कर रही है, जिम्मेदारियां संभाल रही है। मोदी की गारंटी की वाली जो गाड़ी आने वाली है ना,
इसकी एक दिन पहले से घोषणा हो रही है। अब तो मैंने कोशिश की है कि भाई जरा एक दो दिन क्या सप्ते पहले बता दो भाई फलानी तारीख को आएगा, डिगनी तारीख को आएगा, इतने बजे आएगा, तो गांव वालों का इतना उत्साह है तो पहले से अगर पता चलेगा तो ज़्यादा तैयारियां करेंगे। और जिन गांव में गाड़ी जाने वाली नहीं, अगल बगल के 2-4-5 किलोमीटर छोटे छोटे कस्बे होते हैं उनको भी बुला सकते हैं। स्कूल के बच्चों से लेकर के बुजुर्गों को भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है। और मैंने देखा उसमें सेल्फी पॉइंट बनते हैं, इतनी सेल्फी लोग ले रहे हैं, और गांव के भी माताएं बहनें मोबाइल फोन का उपयोग करना, सेल्फी लेना और ये सेल्फी अपलोड करते हैं। मैं देखता हूँ इतने खुश नजर आते हैं लोग। और मुझे संतोष है कि जैसे जैसे ये यात्रा देश के कोने कोने में पहुंच रही है, लोगों का उत्साह और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ओडिशा में जगह जगह पारंपरिक ट्राइबल डांस से नृत्य करते हैं लोग, जो परंपरागत हमारे आदिवासी परिवारों में होता है, इतना शानदार नृत्य हो रहे हैं, उनका स्वागत किया है। वेस्ट खासी हिल के मुझे कुछ लोगों ने फोटो भेजे, उसका वीडियो भेजा, वेस्ट खासी हिल के रामराय में कार्यक्रम के दरवान स्थानीय लोगों ने खूब सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, नृत्य का आयोजन किया। अंडमान और लक्षद्वीप दूर दूर कोई पूछता नहीं, ऐसे इलाके इतना बड़ा शानदार कार्यक्रम लोग कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती के लिए किए जा रहे हैं। करगिल में जहां अब तो बर्फ गिरी है, वहां पर भी स्वागत कार्यक्रम में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। मुझे अभी बताए एक कार्यक्रम में, अभी तो बोले आसपास के लोग इतनी बड़ी मात्रा में, छोटा सा गांव था लेकिन 4,500 लोग इकट्ठे हो गए। ऐसे अनगिनत उदाहरण रोज देखने को मिल रहे हैं, वीडियो देखने को मिल रहा है, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। मैं तो कहूंगा कि इन कामों की, इन तैयारियों का जो काम हो रहा है, शायद मुझे तो पूरा पता भी नहीं होगा, इतनी विविधताएं लोगों ने की है, इतनी उसमें नए रंग भर दिए हैं, नया उत्साह भर दिया है। मुझे तो लगता है शायद इसका एक बहुत बड़ी लिस्ट बनानी चाहिए, ताकि गारंटी वाली गाड़ी जहां जहां पहुंचने वाली है उनको भी तैयारी करने के लिए काम आ जाए। ये सारे सुझाव जो लोगों ने किया है वो अनुभव उनको भी काम आ जाए, तो ये उसकी भी अगर एक लिस्ट बन जाए और वो भी पहुंच जाए तो गांवों में उत्साह बढ़ाने में काम आएगा। इससे उन क्षेत्रों के लोगों की भी मदद मिलेगी जहां ये गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने वाली है, जो करना चाहते हैं लेकिन क्या करना वो पता नहीं है, उनको आइडिया मिल जाएगा। साथियों, सरकार की लगातार कोशिश है कि जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचे तो गांव का हर एक व्यक्ति उस गाड़ी तक जरूर पहुंचना चाहिए, घंटे भर के लिए खेत का काम छोड़ करके जाना चाहिए, हर बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सबको ले जाना चाहिए, क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है। और जब ऐसा होगा तभी हम हर लाभार्थी तक पहुंच पाएंगे, तभी 100% सैचुरेशन का जो संकल्प है ना वो पूरा हो जाएगा। हमारे इस प्रयास का गांव गांव में असर भी दिखाई दे रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पर पहुंचने के बाद लगभग 1,00,000 नए लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन ले लिया है, आवेदन किया है। कुछ गांव है जैसे अभी मैं बात कर रहा था बिहार से, तो हमारी प्रियंका जी कह रही थी मेरे गांव में सबको वो पहुंच गया है, अच्छा लगा मुझे। लेकिन कुछ गांव है जहां एक दो लोग रह गए, तो गाड़ी पहुंचती तो वो भी ढूंढ ढूंढ कर उनको दे रहे हैं। इस यात्रा के दौरान मौके पर ही 35,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड भी दिए गए हैं। और आयुष्मान कार्ड यानी एक प्रकार से किसी भी बीमार व्यक्ति को जीवन जीने का एक बहुत बड़ा अवसर की गारंटी बन जाता है। गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने पर जिस प्रकार लाखों लोग अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, और मुझे खुशी है कि सभी राज्यों में हेल्थ का कैंप लगता है इसके साथ, तो गांव में डॉक्टर बड़े बड़े आ रहे हैं, मशीन आ रहे हैं, तो सबका मेडिकल चेकअप हो जाता है, शरीर की तपास हो जाती है तो पता चल जाता है कुछ कमी है क्या,
मैं समझता हूं ये भी एक बहुत बड़ा सेवा का भी काम है, संतोष मिलता है। बड़ी संख्या में लोग अब आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जाकर, जिसको पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते थे, अब लोग उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर कह रहे हैं, वहां पर जाकर के भी भांति भांति के टेस्ट करवा रहे हैं। साथियों, केंद्र सरकार और देश की जनता के बीच एक सीधा रिश्ता, एक भावात्मक रिश्ता। और मैं तो जब कहता हूं ना आप मेरे परिवारजन, तो मेरे परिवारजनों तक पहुंचने का ये आपके सेवक का एक नम्र प्रयास है। मैं आपके गांव तक आ रहा हूं, गाड़ी के माध्यम से आ रहा हूं। क्यों? आपके सुख दुख का साथी बनूं, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझूं, उसको पूरा करने के लिए पूरी सरकार की शक्ति लगाऊं। हमारी सरकार माई बाप सरकार नहीं है, बल्कि हमारी सरकार तो महतारी पिता की सेवक सरकार है। माँ बाप का जो एक बच्चा सेवा भाव करता है ना, वैसे ही ये मोदी आपकी सेवा का काम करता है। और मेरे लिए तो जो गरीब है, जो वंचित है, वे सब लोग जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनके लिए सरकारी दफ्तरों के दरवाजे तक बंद है, जिनको कोई नहीं पूछता है, उनको मोदी सबसे पहले पूछता है। मोदी पूछता ही है ऐसा नहीं, मोदी पूजता भी है। मेरे लिए तो देश का हर गरीब मेरे लिए वीआईपी है, देश की हर माता बहन बेटी मेरे लिए वीआईपी है, देश का हर किसान मेरे लिए वीआईपी है, देश का हर युवा मेरे लिए वीआईपी है। मेरे परिवारजनों, देश में हाल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है। इन चुनाव नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। मैं सभी मतदाताओं का आभारी हूं जिन्होंने मोदी की गारंटी पर इतना भरोसा किया। लेकिन साथियों, सवाल ये भी है कि जो हमारे विरोध में खड़े हैं उन पर देश को भरोसा क्यों नहीं है? दरअसल कुछ राजनीतिक दलों को ये सीधी बात समझ नहीं आ रही है कि झूठी घोषणाएं करके वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है। चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है। जनता के विवेक को कम आंकना ठीक नहीं है। अगर कुछ विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय सेवा भाव को सर्वोपरि रखा होता, सेवा भाव को ही अपना काम समझा होता, तो देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव में, मुसीबतों में, तकलीफों में न रहती। दशकों तक सरकारें चलाने वालों ने अगर ईमानदारी से काम किया होता, तो जो गारंटी मोदी को आज देनी पड़ रही है वो 50 साल पहले ही पूरी गई हो गई होती। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी नारी शक्ति ही शामिल हो रही है, हमारी माताएं बहनें जुड़ रही हैं। मोदी की गारंटी की गाड़ी के साथ फोटो खिंचाने की भी उनमें होड़ मची है। आप देखिए, गरीबों के जो 4 करोड़ से अधिक घर बने हैं ना, कोई कल्पना कर सकता है? हमारे देश में 4 करोड़ घर इतने कम समय में गरीबों को मिले। और सबसे मेरी खुशी तो इसमें है कि 4 करोड़ घर मिले ना, उसमें 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। मतलब कि
अगर किसी गांव में 10 घर बने हैं तो उसमें से 7 पक्के घर माताओं के नाम पर रजिस्टर हो गए हैं, जिनके नाम पहले 1 रुपये की भी संपत्ति नहीं थी। आज मुद्रा ऋण के हर 10 लाभार्थियों में से भी 7 महिलाएं ही हैं। किसी ने दुकान ढाबा खोला, किसी ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया, किसी ने सैलून पार्लर ऐसे अनेक बिजनेस शुरू किए। आज गांव-गांव में देश की 10 करोड़ बहनें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। ये समूह बहनों को अतिरिक्त कमाई के साधन दे रहे हैं, उन्हें देश की प्रगति में भागीदार का सीधा अवसर दे रहे हैं। सरकार महिलाओं का कौशल विकास की तरफ ध्यान दे रही है और मैंने एक संकल्प लिया है, शायद कोई भाई पूरी जिंदगी पर रक्षाबंधन इतनी कर ले ऐसा संकल्प नहीं ले सकता है जो मोदी ने लिया है। मोदी ने संकल्प लिया है कि मुझे मेरे गांव में ये जो स्व सहायता समूह चला रहे ना, मुझे 2 करोड़ मेरी बहनों को, 2 करोड़ बहनों को मैं लखपति दीदी बनाना चाहता हूं। वो गर्व से खड़ी रहे और कहे मैं लखपति दीदी हूं, मेरी आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देश में, क्योंकि मैं इन दीदियों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनकी शक्ति को मैं आदर करता हूं, और इसलिए सरकार ने एक योजना बनाई है नमो ड्रोन दीदी, छोटे में लोग उसको बोलते हैं नमो दीदी। ये नमो ड्रोन दीदी है, या तो कोई कहे उसको नमो दीदी, ये अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के जरिए प्रारंभ में हम 15,000 स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसकी जो बहनें हैं उनको ट्रेनिंग देंगे, ये नमो ड्रोन दीदी बनाएंगे, फिर उनको ड्रोन दिया जाएगा, और गांव में जैसे ट्रैक्टर से खेती का काम होता है वैसे दवाई छिड़कने का काम हो, फर्टिलाइजर छिड़कने का काम हो, फसल को देखने का काम हो, पानी पहुंचाए नहीं पहुंचाए वो देखने का काम हो, ये सारे काम अब ड्रोन कर सकता है। और गांव में रहने वाली हमारी बहनों बेटियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद बहनों बेटियों को ये नमो ड्रोन दीदी की पहचान मिलेगी, जिसको सामान्य भाषा में लोग नमो दीदी कहते हैं। दीदी को नमो तो अच्छी बात है, हर गांव में दीदी को नमो, तो ये नमो दीदी देश की कृषि व्यवस्था को आधुनिक टेक्नोलॉजी से तो जोड़ेगी ही, उन्हें कमाई का अतिरिक्त साधन भी मिलेगा और उसके कारण खेती में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारी खेती वैज्ञानिक होगी, आधुनिक होगी, टेक्नोलॉजी वाली होगी, और जब माताएं बहनें करती है ना, फिर तो सब लोग इस बात को मान जाते हैं। मेरे परिवारजनों, नारी शक्ति हो, युवा शक्ति हो, किसान हो, या फिर हमारे गरीब भाई बहन, विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति इनका समर्थन अद्भुत है। मुझे जानकर काफी अच्छा लगा कि इस यात्रा के दौरान 1 लाख से ज्यादा हमारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं, गांव-गांव खेलकूद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है, उनको सम्मानित किया गया है। ये युवा खिलाड़ियों को खेल की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलने वाला है। आपने देखा होगा नमो ऐप लोग डाउनलोड करते हैं, वैसे ही माई भारत के वॉलेंटियर भी बन रहे हैं नौजवान गांव-गांव में।
नमो माय भारत वॉलेंटियर के रूप में जिस उत्साह के साथ हमारे बेटे बेटी जुड़ रहे हैं, हमारी युवा शक्ति जुड़ रही है, रजिस्टर करवा रहे हैं, उनकी शक्ति गांव के बदल के लिए, देश के बदल के लिए भविष्य में बहुत काम आने वाली है। भारत के संकल्प को वो सशक्त करता है। मैं ये सभी वॉलेंटियर्स, उनको दो काम देता हूँ। ये जो माय भारत के साथ रजिस्टर हुए हैं ना, वो अपने मोबाइल फोन पर नमो ऐप डाउनलोड करें और उसमें विकसित भारत एम्बेसडर, ऐसा एक काम शुरू किया गया है। आप अपने आप को विकसित भारत एम्बेसडर तरीके रजिस्टर करवाइए। आप इस विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में आप जिम्मेवारी लेके उसमें जो बताया गया वो काम कीजिए। रोज 10-10 नए लोगों को बनाइए और एक मूवमेंट कराए कि हम लोग ऐसे हैं जो, जैसे महात्मा गांधी के जमाने में लोग सत्याग्रही ज्वाइन होते थे, वैसे हमें विकसित भारत के वॉलेंटियर एम्बेसडर तैयार करने हैं जो विकसित भारत बनाने के लिए जो भी जरूरी है काम करेंगे। दूसरा भाई, भारत तो विकसित होगा लेकिन मेरी युवा पीढ़ी दुर्बल है, पूरा दिन भर टीवी के सामने बैठी रहती है, पूरा दिन मोबाइल फोन पर ही देखती रहती है, हाथ पैर भी नहीं हिलाती है। तो जब देश समृद्धि की तरफ जाएगा और मेरा युवा सशक्त नहीं होगा तो सब देश कैसे आगे बढ़ेगा, किसके काम आएगा? और इसलिए मेरा एक दूसरा आपको आग्रह है, जैसे नमो ऐप पर विकसित भारत के एम्बेसडर का काम है, वैसे फिट इंडिया मूवमेंट को हमें गांव गांव वातावरण बनाना है। और मैं मेरे देश के नौजवानों से, बेटे हो या बेटी, वो शरीर से मजबूत होने चाहिए, वो ढीले ढाले नहीं होने चाहिए। कभी 2-4 किलोमीटर चलना पड़े तो वो बस ढूंढे, टैक्सी ढूंढे, ऐसा नहीं, अरे हिम्मत वाले चाहिए। ऐसे मेरा जो माय युवा भारत है ना, उसके वॉलेंटियर इसको आगे करे। और मैं चाहता हूं फिट इंडिया के लिए मैं 4 बातें बताता हूं। इन 4 चीजों को हमेशा प्राथमिकता दीजिए, ये पक्का करिए। एक, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, थोड़ा 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 दिन भर पानी पीना चाहिए, ये शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। फिट इंडिया के लिए मेरे नौजवानों को मेरा आग्रह। दूसरा, पोषण। हमारा मिलेट्स कितना बढ़िया ताकत देता है जी, हम मिलेट्स को खाने की आदत डलाएं। तीसरा, पहला पानी, दूसरा पोषण, तीसरा पहलवानी। पहलवानी मतलब थोड़ा व्यायाम करो, कसरत करो, दौड़ो, जरा खेलकूद करो, पेड़ पर लटको, उतरो, बैठो, पहलवानी करनी चाहिए। और चौथा, पर्याप्त नींद। पर्याप्त नींद शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इन 4 चीजों को तो फिट इंडिया के लिए हर गांव में कर सकते हो, इसके लिए गांव में कोई नई व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं है। देखिए, स्वस्थ शरीर के लिए हमारे चारों तरफ बहुत कुछ है, हमें उसका फायदा उठाना है। अगर इन 4 पर ध्यान देंगे तो हमारे युवा स्वस्थ होंगे, और जब हमारा युवा स्वस्थ होगा और जब विकसित भारत बनेगा ना, तब इन युवाओं को उसका सबसे ज्यादा फायदा लेने का अवसर मिलेगा। तो इसकी तैयारी में ये भी जरूरी है, विकसित भारत के लिए नोटे ही निकले, पैसे ही निकले, धनी कमाए, ऐसा नहीं है, बहुत प्रकार के काम करने हैं। लेकिन आज मैं एक काम बताया हूं और वो है फिट इंडिया का। मेरे नौजवान, मेरे बेटे बेटी तंदुरुस्त होने चाहिए। हमें कोई लड़ाई लड़ने नहीं जाना है, लेकिन किसी भी बीमारी से लड़ने की पूरी ताकत होनी चाहिए। अच्छा काम करने के लिए अगर 2-4 घंटे ज्यादा काम करना पड़े, पूरी ताकत होनी चाहिए। मेरे परिवारजनों, इस संकल्प यात्रा के दौरान हम जो भी शपथ ले रहे हैं वो सिर्फ कुछ वाक्य भर नहीं है, बल्कि हमारे जीवन मंत्र बनने चाहिए। चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो,
या फिर सामान्य नागरिक, हम सबको पूरी निष्ठा से साथ जुटना है, सबका प्रयास लगना है, तभी भारत विकसित होने वाला है। हमें विकसित भारत का सपना पूरा करना है, मिलजुल करके करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज देश भर के लाखों मेरे परिवारजनों से मुझे सीधी बात करने का मौका मिला है। ये कार्यक्रम इतना उत्तम है, इतना बढ़िया है कि मेरा मन करता है मैं थोड़े दिन के बाद फिर अगर समय निकल पाया तो फिर यात्रा के साथ आप सबके साथ जुड़ूंगा और जिस गांव में यात्रा होगी उस गांव के लोगों से फिर से बात करने का मौका मिलेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।